इस तरह आप बना सकते हैं इसे बिना भीगे हुए, चटपट से 4-5 मिनट में ये सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। अब आप भी बनाइए लोबिया की यानी चौले की सब्जी बिना भीगे हुए झटपट से। तो इसके लिए देखिए आप मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, भारतीय स्वीट में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ। आज मेरे पास आई है ये खेत से डायरेक्ट चौलों की फली, थोड़ी सी पकी हुई है, इसलिए हम इसके चौलों की सब्जी बनाएंगे। यानी कि फली को इस तरीके से दोनों तरफ से तोड़ लेंगे इसकी डंडी, और इसको रखते साइड में। और पहले से मैंने इसके बीज भी निकाल रखे हैं, और इस तरीके से और निकाल के दिखा दूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से हम इसको बीज निकाल कर बनाएंगे, यानी इनको चौले बोलते हैं। जो इसके बीज होते हैं इसको हम बोलते हैं चौले। तो इस जो चौले हैं इसकी सब्जी हम बनाएंगे। ये ऊपर का है छिलका इसका, ये थोड़ा पक गया है तो इसको हम फेंक देंगे। हमेशा इसके समेत हम चौलों की फली काट कर सब्जी बनाते हैं, जो मैंने आपको पहले से बनाकर दिखा रखी है। आज मैं इसके खाली बीज यानी ये चौले की सब्जी बनाऊंगी। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इस तरीके से हम सूखे चौले की सब्जी भी बनाते हैं। उनको हमको रात भर भिगोना पड़ता है और फिर उनको पकाकर बनाना पड़ता है। तो इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे, इस तरह से हमारा समय भी कम लगेगा और ताज़ी हमको सब्जी स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। इतनी फली में हमने इतने गुले निकाल ली हैं, इसकी हम सब्जी बनाएंगे। और ये वाली फली है ये कच्ची है, इसकी हम अलग से सब्जी भी बनाएंगे। तो बना लेते हैं चौले की सब्जी। सब्जी को एकदम सिंपल तरीके से हम छोकेंगे। पैन में मैंने डाल दिया है तेल, तेल थोड़ा सा हमारा गर्म हो जाए इसमें डाल देते हैं हींग, और डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। बिल्कुल सिंपल तरीके से इस सब्जी को मैं बनाऊंगी। डाल देते हैं धोकर चौले और हल्के हाथ से इन्हें मिक्स कर लेंगे। तुरंत थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि ये उछड़े नहीं, नहीं तो ये उछड़ के इधर उधर भागेंगे। इस तरीके से पानी डालने से ये इधर उधर नहीं जाएंगे। गैस को इस तरह पर सिम रखेंगे और मसाले इसमें डाल देते हैं। हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ मैं। थोड़ा चटपटा सी बनेगी तब अच्छी लगेगी सब्जी। धनिया पाउडर डाल देते हैं, ड्राई हम इसको बनाएंगे तो थोड़ा धनिया पाउडर अच्छा डालेंगे। और डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, मैं लगभग आधी चम्मच भी डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सभी को, और थोड़े चौलों के गलने तक हम इसे ढककर पका लेंगे। सब्जी चेक कर लेते हैं। वाह, देखिए सब्जी में पानी खत्म हो गया है, और इस तरीके से चम्मच से दबा रहे हैं। थोड़ा सा पकना बाकी है, इस समय पे हम इसमें डाल देते हैं 2 टमाटर को मैंने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, इसको मैं डाल देती हूँ इस समय। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हरी मिर्ची भी, और ढककर 2-3 मिनट इसे इन सबको भी पका लेंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और टमाटर के पकने तक ग्रेवी जब कलर छोड़ दे तब तक हम इसको पका लेंगे। सब्जी को चेक कर लेते हैं। वाह, सब्जी ने देखिए कलर छोड़ दिया है, और 4-5 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं। इस चम्मच से इसको दबा के देख लेते हैं, एकदम बढ़िया ऐसे ये कट गया है दबाने से। ये देखिए इस तरीके से हमारी जो ये सब्जी है बनकर तैयार हो गई है। निकाल लेते हैं इसको। उससे पहले मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती, और गैस बंद कर देते हैं और सर्व कर लेते हैं। बिना भीगे ही हम बना लेते हैं लोबिया यानी चौले की सब्जी, और सर्व करते हैं अपने मेहमानों को। बस थोड़ी सी छीलने में मेहनत है इसको, और बनाने में बिल्कुल भी आसान है। आप लोग भी बनाकर देखिए मेरी इस रेसिपी को, और बताएं अपने अनुभव।
आपको ये कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, जिससे जब जब भी मैं रेसिपी अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप देखना चाहें जरूर देखिए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।